विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा मंडल के वार्ड 41 में टीम प्रयास के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में दिया कुमारी सहभागी बनी और वृक्षारोपण किया। साल 2017 में स्वच्छता अभियान में श्रमदान दे रही टीम प्रयास का यह 407वां रविवार है। दिया ने कहा कि यह नेक और सराहनीय प्रयास है। और जितना ही आप वृक्षारोपण का कर रहे हैं, आप लोगों की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये इससे अच्छा काम आज के युग में यही काम है जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो ये पूरा जो वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी है, हमारा एनवायरनमेंट है, इनके बारे में अगर हम लोग आज नहीं सोचेंगे तो आज की 50 साल बाद आगे की पीढ़ी है ना, वो दुख पाएगी। इसलिए अभी जो हम ये काम कर रहे हैं ना, ये हमारी 50 साल बाद वाली जो पीढ़ी, 50 साल बाद आज के, तब आप देखना ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से सब कुछ ही खत्म कर रहा है, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम पर्यावरण को हम लोग दूषित करते हैं, बहुत मिसयूज करते हैं, लेकिन आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उससे प्लास्टिक प्लीज मत यूज करते, तो प्लास्टिक का प्रयोग खत्म ही कर दो सब लोग। जितना प्लास्टिक का यूज हम लोग करेंगे उतना हम लोग एनवायरमेंट को खराब करेंगे। अलवर के रामगढ़ से मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व विधायक जुबेर खान ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन भरा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में प्रत्याशी सहित कांग्रेस के 8 पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन रैली में भैरूजी मंदिर से पूजा अर्चना कर हजार कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रैली में धारदार हथियारों से करतब दिखाकर खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। नामांकन के दौरान केवल 5 ही लोगों की अनुमति थी, लेकिन जुबेर खान सहित 7 पदाधिकारी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर जुबेर खान ने कहा कि जनता कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है, क्योंकि ये एरिया मेरा पुराना परिचित है, मैं एरिया से परिचित हूँ। और मेरा जैसे हर बार रहा है, जब भी मैं विधायक रहा हूँ चाहे विपक्ष में रहा हूँ, और इस बार हमारे वाइफ सत्ता पक्ष से थी, हमने विकास किया है और हम भाईचारे और विकास के नाम से ही वोट मांगेंगे। तो जो विकास बाकी है विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में, उसको पूरा कराया जाए, इसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। क्या विकास के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के मतलब मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन, मेरा पिछले 32 साल से लोगों के बीच में काम करने का तरीका, राजस्थान सरकार जो गहलोत साहब के नेतृत्व में है उस द्वारा जो जनकल्याणकारी योजनाएं चालू की गई हों, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना बीमा योजना हो, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर मिलने की बात हो, चाहे और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, राशन किट का वितरण है, महंगाई राहत कैंपों में लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है, लंपिंग में जो गायों की मौत हुई थी उनको 40-40 हज़ार रुपये मिले हैं, अभी भी बीमा किया है गायों का और भैंसों का 40-40 हज़ार रुपये का, जो योजनाएं और जो वृद्ध पेंशन जो दिखी है, सम्मान पेंशन बुजुर्गों के लिए, 55 साल पर महिलाओं के लिए, 58 साल पर पुरुषों के लिए, उन योजनाओं के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे कि जो पिछले 5 साल में आम व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो योजनाएँ कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में चलाई हैं, उन योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा, इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सभी जगह 5 की अनुमति दी गई है, क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 तो खर्चावर थे, एक पत्रकार है, 5 आदमी खड़े हैं, 1, 2, 3। अभी अंदर जो देखे गए उसके बाद अंदर क्या है, मेरे साथ तो जो आए 5-6 आदमी आए हैं, अब कौन अंदर है निवार में तो जानता नहीं। श्रीमान जी, पूर्व में भी जो आप नामांकन भरते थे उसमें जो आप अपनी रैली निकालते थे, और आज जो अपन आपने रैली निकाली है उसमें पुराने कार्यकर्ता आपके नहीं दिख रहे, इसका क्या कारण? पुराने कार्यकर्ता कौन नहीं दिख, आपके काफी सारे पुराने कार्यकर्ता होते थे। बयाना में राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के चलते 6 दिन बाद नामांकन प्रारंभ हुए। चुनावी समर में उतरने वाले कांग्रेस, भाजपा, बसपा व आप पार्टी एवं निर्दलीय डॉक्टर रितु बनावत सहित 5 उम्मीदवारों की ओर से कुल 6 नामांकन फॉर्म भरे गए, जिनमें 2 नामांकन भाजपा प्रत्याशी बच्चू सिंह बंसीवाल की ओर से भरे गए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। इस दौरान निर्दलीय डॉक्टर रितु बनावत ने रोड शो कर रैली निकाली।
रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ निर्दलीय डॉक्टर रितु बनावत की रैली में देखी गई। साथ ही इस दौरान निर्वाचन अधिकारी अम्मीलाल यादव ने बताया कि सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि है। मैं अमर सिंह जाटव, गांव वसई ग्राम पंचायत और आज मैं विधानसभा बयाना उपवास में अपना नाम दाखिल करने के लिए कार्यालय में फिलहाल मैं खड़ा हूँ। साथ में सभी पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण मेरे साथ हैं, 3600 कौम की सरदारी, सभी के आशीर्वाद से और आज अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा करते हुए पार्टी ने मुझको पुनः द्वारा से और टिकट दी है। जिस तरीके से हमारा क्षेत्र तमाम चीज़ों से वंचित था, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, तमाम चीज़ों को देखते हुए 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने वो काम कराए। हो सकता है 50 साल में नहीं हुआ होगा, आज वो 5 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ गया। आपकी 5 साल में वर्तमान में आप रहे हो, अब 5 साल के लिए फिर चले जा रहे हो, चले जाते हो तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? वो ऐसा है, लगभग मेरा मानना है कि रोडों से, शिक्षा से, चिकित्सा से तकरीबन मेरे हिसाब से 90-95% काम हो चुके हैं। लेकिन इस क्षेत्र की जनता एक मांग, सभी का सुझाव आया 36 करोड़ की, कि बयाना जिला बनना चाहिए। मैंने पहले भी मुद्दा रखा था, सबसे सर्वप्रथम मैंने मुद्दा रखा था कि बयाना को जिला बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम मेरे क्षेत्र को प्रतिनिधि घोषित किया जाए, दोनों मुद्दे रखे थे और होने भी चाहिए। जिस तरीके से मुझको विश्वास और भरोसा किया है और जनता कर रही है, मैं सर्वप्रथम जैसे ही मुझको आशीर्वाद मिलेगा, विधानसभा पहुँचूंगा तो सबसे पहले मैं बयाना का मुद्दा उठाऊंगा कि बयाना जिला बनना चाहिए और हमारा पर्यटन घोषित होना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी चुने गए थे और सरकार भी कांग्रेस पार्टी थी, परंतु फिर भी आपकी बात ना मानते हुए छोटे छोटे जो तहसील थी वो जिला बना दी गई और बयाना जिला से छोड़ दिया गया, बंजर कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? वो बेचारा दिन चल रहा है, हालांकि कांग्रेस में समय के हिसाब से आपने सबको बताया तो संत कोरोना में चले गए, हम सबको पता है कोरोना कौन सी बीमारी महामारी थी, पूरे देश प्रदेशन फैल गई। नहीं, लास्ट समय में जो जिले बनाए गए थे वो लगभग मेरे ख्याल से 11 जिले बने थे और 11 जिले बहुत छोटे छोटे थे। इस बात बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मेरे पर्चे पूरा नहीं, तो अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझे हस्ताक्षर करने, ये सारी बातें मैं बता दूंगा, आपको पता है और मेरा जनता ने जो भरोसा किया है, सारी उम्मीदों को पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, बोलने में, डोलने में, खोलने में हम पूरे ही क्षेत्र की जो आवाज़ है उसको जरूर हम कोशिश करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते भी रहेंगे। मदन मोहन भंडारी है और मैं वर्तमान में EM पद से मैंने BRS लिया है और यह बहुजन समाज पार्टी से आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और गांव खेड़ा ठाकुर का रहने वाला हूँ। किस मुद्दों को लेकर काम करना है? देखिए, यहाँ जो इस विधानसभा के मुद्दे हैं, शिक्षा का है, रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, सड़क का है, पानी का है, बिजली का है, ये सारे मुद्दे जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं उनको हम आगे मूलभूत समझा उनको काम करेंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार टाइगर, मैं बयाना विधानसभा से आम आदमी का प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता की सेवा करूँगा। राम राम साहब, मैं डॉक्टर रितु बनावत बयाना विधानसभा क्षेत्र से और जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जनता के आशीर्वाद से और जन समर्थन के आधार पर मैंने आज अपना पर्चा दाखिल किया है और 25 नवंबर को जनता से यही अपील करती हूँ कि जैसे आज तक आपने मेरा साथ निभाया है उससे भी ज़्यादा मेरा ज़्यादा जोर शोर से साथ निभाए, क्योंकि आपकी ये बहू बेटी 14 साल से आपके बीच संघर्ष कर रही है, दर दर भटक रही है, एक बार दिवाली मनाने का अधिकार अपनी बेटी अपनी बहू को दे, यही कहना चाहती हूँ। भिलवाड़ा के जहाजपुर कोटली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मास्टर गोपी चंद मीणा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने नाचते गाते हुए भाजपा मोदी व गोपी चंद के जयकारे लगाए। इस दौरान लोगों ने बताया कि अब की बार भाजपा प्रत्याशी मास्टर गोपी चंद मीणा को भारी मतों से जीत दिलाकर भेजेंगे। डिडवाना से भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री यूनुस खान ने BJP का दामन छोड़ने का ऐलान किया। इसके साथ ही यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की। खान ने डिडवाना में कार्यकर्ताओं की सभा बुलाई, कार्यकर्ताओं ने यूनुस खान को सपोर्ट किया। इस दौरान यूनुस खान हजारों की संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ डिडवाना पहुंचे, जहां लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। पहले तो मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी,
जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है उसका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए, हृदयीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जिन्होंने 10 साल तक मुझे मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में रखा, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डीडवाना संगठन जिसमें 1998 में जब आया था उस समय मंडल अध्यक्ष महावीर ओझा जी जो मेरे पास खड़े हैं, आज भी मैं जब आपको बाइट दे रहा हूँ तो मेरे पास खड़े, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है कि जिस पार्टी ने मुझे मान सम्मान इज्जत पद सब कुछ दिया उस पार्टी को बहुत भारी मन से आज मैं छोड़ने का ऐलान करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की स्थानीय जनता जो पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे साथ थी, उनका बड़ा आग्रह भी था और दबाव भी था, भारी मन से आज मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। मैं उस मेरी पार्टी पर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनके लिए कृतज्ञ और आभारी भी हूँ, लेकिन जो हालात अभी पैदा हुए जिस तरीके का कुशासन है अभी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको हराने में अभी जो हमारा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि इतना सक्षम नहीं है, तो इस एक परिवार के लगातार 6 बार चुनाव लड़ना, जनता का शोषण करना, जनता में भय भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति करना, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये बहुत कठोर फैसला लिया है और अब मैं जनता के टिकट पर परसों डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरूंगा, क्योंकि अब मेरा टिकट जनता का है, ये चुनाव जनता वर्सेज वर्तमान विधायक जो कांग्रेस से उनका है, और मुझे विश्वास है कि वो सब लोग जो इसके कुशासन से इसके अत्याचार और अन्याय से त्रस्त हैं वो सब आने वाली 25 तारीख को जो सिंबल मिलेगा जनता को उस सिंबल पर वोट डाल करके इसको परास्त करके, और मैं कहता हूँ कि एक बार पुनः 1998 से जो इन्होंने कब्जा कर लिया एक ही परिवार ने, उस कब्जे को छुड़ाने का काम करेंगे और डीडवाना को स्वतंत्र कराने का काम करेंगे, क्योंकि हमने भी राजनीति की है, यहाँ से जनप्रतिनिधि रहा हूँ, हमने डेवलपमेंट की राजनीति की है, भाईचारे और विश्वास की राजनीति की है। आज इतना बड़ा स्नेह, मुझे यहाँ 11 बजे आना था और मैं 5 बजे पहुँचा, और रास्ते में जिस तरीके का मैं सोचता हूँ डीडवाना से लेकर कुचामन तक एक इंच जहाँ तिल डालने जितनी जगह खाली। नागौर के डेगाना में रेल महाप्रबंधक अमिताभ दौरे पर रहे, इस दौरान महाप्रबंधक ने अमृत भारत योजना के तहत डेगाना स्टेशन का निरीक्षण किया, निर्माण कार्य की जोधपुर DRM सहित रेलवे अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, प्रबंधक को मॉडल स्टेशन के नक्शे के मानचित्र भी दिखाया। उसके बाद रेल महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय सहित इलेक्ट्रिक सिस्टम का अवलोकन किया। महाप्रबंधक द्वारा डेगाना के चारों प्लेटफॉर्मों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। साथ ही इस दौरान रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के बाहर रोड की तरफ अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की और गाड़ी संख्या 204-81-82 भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन का डेगाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने सहित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। टोके देवली उनियारा विधानसभा से RLP उम्मीदवार और डॉक्टर विक्रम सिंह गुज्जर ने SDM कार्यालय में नामांकन भरा दिया। इस दौरान नामांकन रैली में भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। डॉक्टर गुज्जर ने कहा कि यह देवली उनियारा विधानसभा की जीत मेरी जीत नहीं छत्तीस कौम की जीत होगी। साथ ही कहा कि मैं सदैव जनता की सेवा में तत्पर हूँ। टोके देवली